को 22 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह खदेड़ा था। हालांकि भारत को जीत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस युद्ध में हमारे 527 जावाज सैनिक शहीद हो गए थे, वहीं 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। लेकिन इस युद्ध में हमारे शूरवीरों ने दुश्मनों को धूल चटाई थी। उन्हीं वीरों में से एक वीर सपूत थे मेजर पद्मपाणी आचार्य, जिनका आज जन्म दिवस है। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले शहीद मेजर पद्मपाणी आचार्य का जन्म 21 जून 1968 को हैदराबाद में हुआ था। 1993 में वे सेना में शामिल हुए थे। मद्रास में ट्रेनिंग के बाद थे मेजर पद्मपाणी आचार्य, जिनका कमीशन मिला। 1996 में मेजर साहब की शादी हुई थी। वो पिता बनने ही वाले थे कि कारगिल युद्ध शुरू हो गया। उनकी शहादत के कुछ महीने बाद ही उनकी बेटी का जन्म हुआ था। 28 जून 1999 को राजपूताना राइफल्स के मेजर पद्मपाणी को कंपनी कमांडर के रूप में दुश्मन के कब्जे वाली अहम चौकी को आजाद कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेजर पद्मपाणी की अगुवाई में फोर्स ने फायरिंग और गोलों की बारिश के बीच अपना अभियान जारी रखा। मेजर साहब को कई गोलियां लग चुकी थी, इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे और बहादुरी और साहस से पाकिस्तानियों को खदेड़कर चौकी पर कब्जा किया। हालांकि खुद मेजर पद्मपाणी इस मिशन को पूरी करने के बाद वीरगति को प्राप्त हो गए। शिवालिक जर्नल मेजर पद्मपाणी को दिल से नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।